एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनर ब्यूटी के बारे में, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो मैं स्पेशली लेके आई हूँ विंटर में, क्योंकि विंटर में हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता एंड हमारी बॉडी की परफॉर्मेंस और हेल्थ हमारी पीक पे रहती है। जो भी हम कंज्यूम करते हैं बहुत अच्छे से अपना वर्क करता है, और इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हमें काम करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस और बेटर होगी। तो फर्स्ट एस्पेक्ट ये है कि डेली आपको 15 मिनट्स वॉक या रनिंग करनी है, आपको अच्छे से कार्डियो करना है 15 मिनट्स के लिए, क्योंकि आपको उससे हार्ट डिसीज़ और डायबिटीज़, बहुत सारी हार्ट डिसीजेस नहीं होंगी और डायबिटीज़ भी नहीं होगी, आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो 15 मिनट्स तो आप अपने हार्ट के लिए दे ही सकते हैं, उससे आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। और विंटर में आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपको बॉडी को हीट करना है, तो वॉकिंग और रनिंग से बेस्ट तरीका कोई नहीं हो सकता, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। आपको 8 आवर्स स्लीप ज़रूर लेनी है, और इस विंटर आपको ये मेंटेन करके रखना है, और आपको हमेशा ये मेंटेन करके रखना है, लेकिन आपको विंटर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपकी बॉडी देती है, इसके वजह से आप 8 आवर्स स्लीप ज़रूर लें। और वैसे भी ठंड की वजह से हमें थोड़ा दिक्कत होता है सुबह सुबह उठने में, लेकिन हमें उठना है, लेकिन आप 8 आवर्स स्लीप से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। थर्ड एस्पेक्ट है कि आपको 6 AM से पहले उठना है, और योगा मेडिटेशन जो भी आप करना चाहें तो आपको स्टार्टिंग कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं 30 मिनट से, फिर आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं 1 आवर तक, तो वो आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, आपके कंसंट्रेशन पावर के लिए, आपको जल्दी गुस्सा नहीं आएगा, आपकी हेल्थ पे बुरा असर नहीं होगा, बहुत ही अच्छे आपको इंटरनल फ़ायदे होंगे जो आपको कभी नहीं हुए होंगे। तो इससे आपको सबसे अच्छा ये लगेगा कि आपका माइंड रिलैक्स रहेगा और आपकी कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी पावर बढ़ेगी। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है आपको एक कंसंट्रेशन देने के लिए, आपको रिलैक्स रहने के लिए, आपके माइंड को फ्रेश फील कराने के लिए आपको डेली 6 AM से पहले योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी आपको बेटर लगे तो आप कर सकते हैं उस टाइम पर। और एस्पेक्ट ये है कि आपको 3 to 5 liters वाटर कंज्यूम करना है डेली, और आपको ल्यूक वार्म या कोल्ड वाटर या नॉर्मल वाटर आप कंज्यूम कर सकते हैं, वो अप टू यू है। एंड आपको बहुत अच्छे से 3 to 5 liters के बीच में या 3 to 5 में मेंटेन करके रखना है, कि आपको उतना कंज्यूम करना ही है। आप मेजर करके रख सकते हैं, या फिर आपको बॉटल में पीने की आदत है तो बॉटल आपको 1 liter के बॉटल को आप 3 times या 4 times फिल करें, फिर उसके बाद आप उसको खाली भी करें, जिससे आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि आपने उतना डेली कंज्यूम करा है कि नहीं। उससे आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि पिंपल्स नहीं आएंगे और आपकी स्किन अलग ही ग्लो करेगी और आपका डाइजेशन बहुत बेटर हो जाए। फिफ्थ है, आपको ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स और सीजनल फ्रूट आप खा सकते हैं और उस टाइम पे, और वाटर कंज्यूम करने की वजह से ड्राई फ्रूट्स की जो हीट आपके फेस पे पिंपल जैसा दिखता है, मतलब पिंपल, ड्राई फ्रूट्स अगर ज़्यादा कंज्यूम करें तो हीट करता है और आपके फेस में बहुत पिंपल आ जाते हैं, इसलिए मैंने वाटर कंज्यूम करने के लिए बोला है 3 to 5 liters। उसके वजह से आपके फेस पे बिल्कुल नहीं आएगा, जो उसके अच्छे बेनिफिट्स हैं ड्राई फ्रूट्स के, वही बस आपके फेस पे आएंगे। तो इसलिए अगर आप वाटर कंज्यूम करेंगे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप ड्राई फ्रूट्स भी कर सकते हैं, उसके सिर्फ बेनिफिट्स आपके फेस पे दिखेंगे, और सीजनल फ्रूट्स भी आप खाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और ये है इंटरनल ब्यूटी, आपको कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट की। लास्ट एस्पेक्ट है कि आपको जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, जंक फूड, फास्ट फूड्स, स्ट्रीट फूड आपको बिल्कुल इग्नोर करने हैं इस विंटर, क्योंकि आपकी अगर परफॉर्मेंस आपको बेटर करनी है, आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, तो आपको ये इग्नोर करना ही पड़ेगा। और आपको बिग नो फॉर फास्ट फूड, जंक फूड एंड स्ट्रीट फूड, आपको अगर आपके परफॉर्मेंस को पीक पे ले जाना है तो आपको इनको नो कहना ही पड़ेगा, और आपको नहीं कंज्यूम करना है। आप जितना ज़्यादा इसको कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ जाएगा, तो बिल्कुल आप इसको ना करें। और अगर आप करना ही है तो आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, वो छोटा सा मील ले सकते हैं इन सब का नहीं, कुछ एक चीज़ का। तो अगर आपको करना है तो आप थोड़ा कंज्यूम करें और हफ्ते में एक बार करें, या फिर 15 days में एक बार करें,
अगर ज़्यादा ज़्यादा कर सकते हैं तो 1 month में एक ही बार करना चाहिए, तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना कंट्रोल करते हैं, आपको कितना ट्रांसफॉर्म होना है, वो आपके ऊपर है। तो ये लास्ट था, और अगर आपको जो भी करना है आप अभी से स्टार्ट, तो इंटरनल ब्यूटी क्या होती है वो आपको ज़रूर पता चलेगी अगर आप ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप जो आपको करना है वो आप करें, और जो आपको नहीं करना वो बिल्कुल ना करें। कर रहे हैं तो महीने में एक बार या 15 days में करें, हफ्ते में ना करें। वो मैंने बस आपकी कंट्रोलिंग पावर के ऊपर बताया था कि आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं, फास्ट फूड से कितना दूर रख सकते हैं, और अपने आप को कितना फोकस रख सकते हैं, और आप जनवरी तक अचीव कर लेंगे जो आपको करना है। आपको स्टार्टिंग करना है अभी से, और विंटर का सीज़न बहुत अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए। आप बहुत अच्छे से अपने ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।